अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, टेक मसाला में आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा बोया M1 माइक के रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग। दोस्तों मैंने फिर से परचेस किया है, ये मेरे तो ऑलरेडी है बोया M1 माइक, लेकिन मैंने फिर से अपना सिस्टर के लिए, अपना बड़ा बहन के लिए ये मंगवाया है फ्लिपकार्ट से। देखिए अभी प्रेजेंट में इसका प्राइस है 721 रुपीज़। इसका प्राइस अप एंड डाउन होता है, कभी कभार डिस्काउंट रहता है 700 भी रहता है, कभी कभार बढ़ भी जाता है 750 भी हो जाता है। अभी प्रेजेंट में 721 रुपीज़ का है, तो मैंने परचेस किया है। अभी इसका रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग करूँगा आपके सामने, आप देख सकते हैं कैसा होता है अंदर, अभी खोलूँगा। दोस्तों देखिए ये डब्बा है, ये फ्लिपकार्ट से आया है, इसे खोलता हुआ अभी देखिए। दोस्तों देखिए इस डिब्बे के अंदर देखिए ऐसा आएगा बोया, देखिए माइक्रोफोन, देखिए बोया M1 ऐसा, देखिए ये ओरिजिनल है। अभी इसके अंदर क्या होता है पूरा देख सकते हैं आप, मैं खोलता हूँ, बढ़िया है। दोस्तों देखिए ये मैंने खोल लिया है, फिर देखिए इसके अंदर देखिए कितना बढ़िया एक पाउच है ब्लैक कलर का, ये देखिए इसके अंदर भी और क्या कुछ है देख सकते हैं। ये माइक कैसे यूज़ करते हैं पूरा सब कुछ यहाँ पे, ये सब कागज़ में देखिए, अंदर और कुछ भी नहीं है, ये डब्बा भी खाली है, अंदर ये सब, ये माइक कैसे यूज़ करते हैं इसमें लिखा हुआ है और ये सब काम करने हैं, तो यहाँ पर रख देता हूँ। तो मेनली है ये पाउच के अंदर होता है माइक, तो माइक देखिए ये रहा माइक, तो माइक देखिए नॉर्मल, पहले माइक के ऊपर एक ब्लैक कलर का देखिए, देखिए और देखिए यहाँ ये दोस्तों ये बोया माइक आप कैमरे में भी यूज़ कर सकते हो और स्मार्टफोन में भी। दोस्तों मैं अपना स्मार्टफोन में अभी भी कनेक्ट किया हुआ है और नॉर्मल माइक लगा के यूज़ करके कैसे वॉइस आता है और नॉर्मल मेरा फ़ोन का माइक कैसा है, स्पीकर का साउंड कैसा है आपको लाइव दिखाऊंगा, लाइव सुनाऊंगा, आप खुद ही चौंक जाएंगे। क्योंकि माइक लगाने के बाद अभी प्रेजेंट में माइक से ही बात कर रहा हो, माइक खोल के नॉर्मली कैसा होता है आपको दिखाऊंगा, तो आप खुद ही चौंक जाएंगे क्योंकि माइक लगाने से कितना बेनिफिट होता है, साउंड क्वालिटी कितना अच्छा होता है, तो आप खुद ही देख पाएंगे मेरे दोस्त। दोस्तों देखिए यहाँ पर ये देखिए अंदर माइक, ये है माइक, और देखिए यहाँ पर एक पैकेट में आपको ये सब मिल जाएगा साथ में, देखिए ध्यान से देखना, ये देखिए माइक, माइक में यहाँ ऊपर लगाने के लिए यहाँ अंदर देखिए, देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर देखिए एक बैटरी भी मिलता है। ये बैटरी कहाँ पर लगाते हैं वो भी आपको बताऊंगा, पहले बैटरी के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ जो बैटरी कहाँ लगाते हैं, ये देखिए माइक के यहाँ पर एक पार्ट्स मिलेगा, ये देखिए ये आप खोल सकते हैं, ये देखिए खोल सकते हैं इसे, इसे खोलने पर देखिए यहाँ पर देखिए अंदर बैटरी लगाने की जगह है, यहाँ पर आप बैटरी लगा सकते हैं। लेकिन आप अगर अपना स्मार्टफोन में, अपना एंड्रॉयड फ़ोन, मोबाइल फ़ोन में अगर यूज़ करेंगे माइक, तो आपको बैटरी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप डीएसएलआर बड़ा कैमरा ये सब में माइक लगाना चाहते हैं तो ही ये बैटरी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों नॉर्मली आप स्मार्टफोन में यूज़ करेंगे अगर, तो बैटरी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली अभी मैं कनेक्ट किया हूँ, मेरा भी कोई बैटरी नहीं लगा हुआ है, तो आप अगर DSLR बड़ा कैमरे में कनेक्ट करेंगे तो बैटरी की ज़रूरत होगा, अगर बड़े कैमरे में लगाएंगे माइक तो ही बैटरी की आवश्यकता होगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली ऐसा ही रख सकते हैं। अभी स्मार्टफोन में डायरेक्ट कनेक्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं। अभी लगा देता हूँ, यहाँ पर कोई बैटरी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं बैटरी नहीं लगाऊँगा, मैं स्मार्टफोन में यूज़ करूँगा, तो इसे लगा देता हूँ। ये देखिए बैटरी के बारे में बता दिया है, बैटरी अच्छे से रख दीजिए कहीं पर, बाद में DSLR ये सब कैमरे में आपको आवश्यकता होगा। तो देखिए और क्या है इसमें, यहाँ देखिए अंदर एक और देखिए ये कहाँ पर, यहाँ माइक पे लगाते हैं, जो देखिए जो होता है माइक, देखिए यहाँ माइक के अंदर, यहाँ देखिए होल है, ये माइक
ऐसे लगाया है, ऐसे घुमाना है। देखिए इसका होल छोटा है, एग्जिस्ट होल देखिए ऐसे घुमा के आपको इसे अंदर, देखिए मेरे दोस्त इसे अंदर ऐसे डालना है। ये देखिए ये फिट हो गया है, देख सकते हैं ये फिट हो गया, ये देखिए ये माइक फिट हो गया। और ये बहुत ही लंबा है ये, लेकिन बहुत ही लंबा होता है, मैं इसे खोल के दिखाता हूँ आपको। देखिए बहुत ही लंबा होता है, देखिए नॉर्मली कितना लंबा। और ये कॉमेडी ये सब वीडियो म्यूज़िक वीडियो इस सब के लिए बढ़िया है, लेकिन ज़्यादा ओवर लंबा हो जाता है। ये देखिए इसमें आप अंदाज़ा कर सकते हैं कितना मीटर तक जाएंगे, बहुत ही लंबा है दोस्तों, बहुत बहुत ही लंबा है। आप कॉमेडी वीडियो ये सब में बहुत दूर से वॉइस ये सब प्रैंक वीडियो ये सब भी कर सकते हैं, ये सब माइक से बहुत दूर से आप माइक ये लगा सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे इतना लंबा का ज़रूरत नहीं है, मैं इसे देखिए आपको दिखाने के लिए ज़्यादा ही लंबा है दोस्तों, आप बहुत ही बेनिफिट है। अभी देखिए मैं माइक से बात कर रहा हूँ, माइक के बीच में जो बैटरी लगा मैंने दिखाया था कि DSLR होने पर बैटरी लगाते हैं, यही पार्ट्स में आपको ध्यान में देखना है। यहाँ पे देखिए कैमरा एंड स्मार्टफोन दोस्तों, अगर स्मार्टफोन में कनेक्ट करना है तो देखिए नीचे स्मार्टफोन में रखना है, अगर DSLR बड़ा कैमरा में कनेक्ट करना है ये माइक तो आपको ऊपर वाला देखिए कैमरास पे ऊपर उठा लेना है। देखिए ऊपर रखने पर कैमरास तो DSLR में कनेक्ट कर सकते हैं, अगर अपने खुद के फ़ोन में स्मार्टफोन में कनेक्ट करना है तो आपको इसे नीचे रखना है। देखिए ये ध्यान में रखना है तो ही आप अपना माइक में कनेक्ट कर पाएंगे, ये अगर DSLR कैमरास में रहेगा तो मोबाइल में कनेक्ट नहीं होगा, ये देखिए अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों। अगर अपना स्मार्टफोन में कनेक्ट करेंगे तो नीचे स्मार्टफोन में रखना है, और कैमरा में अगर कनेक्ट करना है तो ऊपर कैमरा में ये रखना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ में आ गया है। और दोस्तों देखिए इसके अंदर देखिए और भी चीज़ मिल जाएगा दोस्तों, देखिए इस पैकेट के अंदर देखिए और क्या है। ये देखिए अगर आप DSLR में यूज़ करेंगे तो इसकी ज़रूरत होगा, DSLR में कनेक्ट करने के लिए ये पिन की ज़रूरत होगा दोस्तों। अगर DSLR में कनेक्ट करेंगे तो ये वाला देखिए माइक के नीचे वाला ये पिन इसके अंदर ऐसे डाल के आप DSLR में डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। DSLR का पिन बड़ा होता है तो ये DSLR के अंदर कनेक्ट करने के लिए ये वाला है दोस्तों, ये एक्स्ट्रा अभी ज़रूरत नहीं है, ये इसी के लिए है। और दोस्तों यहाँ अंदर देखिए और एक चीज़ मिल जाएगा दोस्तों, देखिए ये वाला दोस्तों ये वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, छोटा है ये जो मेरे गले में अभी लगा हुआ है ऐसे चिपका रहता है, तो यही ये भी ये चीज़ है दोस्तों। इसे कैसे चिपकाते हैं देखिए, माइक ये तो माइक है दोस्तों, माइक के निचला वाला हिस्से में ये देखिए माइक के इस साइड में इसे कनेक्ट करना होता है। तो कैसे कनेक्ट करें देखिए, ये इसे कैसे कनेक्ट करते हैं, इसे यहाँ नीचे वाले हिस्से में ऐसे देखिए, यहाँ निचले वाले हिस्से में थोड़ा पुश करना है, देखिए थोड़ा ऐसे, ये देखिए अंदर ये देखिए कनेक्ट हो गया है, ये देखिए कनेक्ट हो गया है। अभी देखिए मैं लगा सकता हूँ अपना यहाँ पे, देखिए ये देखिए, ये देखिए मैंने लगा लिया है, अभी माइक कनेक्ट करने से डायरेक्ट मैं बात कर सकता हूँ दोस्तों। अभी बिना माइक से मेरा वॉइस कैसा है और माइक लगाने से मेरा साउंड क्वालिटी कितना इम्प्रूव होता है आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको लाइव दिखाऊँगा दोस्तों। अभी देखिए बिना माइक में मेरा साउंड कैसा है, देखिए मैंने माइक का कनेक्शन यहाँ वहाँ से निकाल दिया है, अभी बिना माइक के ही अभी आप मेरे बात कैसा लग रहा है, अभी देखिए बिना माइक में मैं बात कर रहा हूँ मेरा कैसा नॉइज आ रहा होगा, तो देखिए अभी माइक फिर से लगाता हूँ। दोस्तों अभी देख सकते हैं, अभी माइक मैंने फिर से लगा लिया है, अभी मेरा साउंड कितना इम्प्रूव है आप खुद ही जान सकते हैं, कितना बढ़िया है, कितना बेटर है बिना माइक के और माइक के दोस्तों। आप अगर एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो ये माइक की बहुत आवश्यकता है आपके लिए, तो आपका साउंड क्वालिटी जितना इम्प्रूव होगा तो आपका वीडियो लोगों को इतना समझ में आएगा, अच्छा क्वालिटी में साउंड आएगा तो लोगों को सुनने में भी अच्छा लगेगा, तो आपका वीडियो भी वायरल होने का चांसेस ज़्यादा रहता है।
तो आप भी माइक परचेज कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप आसानी से मंगा सकते हैं यही माइक। दोस्तों 721 इतना भी ज़्यादा नहीं है कि दोस्तों आप अगर अच्छी क्वालिटी में साउंड इंट्रोड्यूस कर सकते हो अगर, तो आपका वीडियो भी वायरल हो सकता है। ये माइक का दाम कितना है, उससे ज़्यादा पैसा आपको मिल जाएगा फिर बाद में वीडियो वायरल होने के बाद में। दोस्तों आपको भी अगर परचेस करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, बहुत ही बढ़िया है, मुझे खुद ही बेनिफिट मिला है। मैं खुद ही यूज़ कर रहा हूँ ये बोया M1 माइक, मैं खुद ही यूज़ कर रहा हूँ और बड़ा बड़ा क्रिएटर, बड़ा बड़ा यूट्यूबर भी ये यूज़ करता है, आप भी यूज़ कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को ज़रूर अच्छा लगा होगा। अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू मैंने कर दिया है, तो जैसा जैसा मैंने बताया है आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों ये बोया माइक नॉर्मली कनेक्ट नहीं होता है, आपके फ़ोन में ओपन कैमरा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। ओपन कैमरा प्ले स्टोर में मिल जाएगा, ओपन कैमरा एप्लीकेशन के थ्रू में ही आप कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों नॉर्मली हर कोई फ़ोन में कनेक्ट नहीं होता है, प्रॉब्लम दिखाता है। कोई कोई फ़ोन में कनेक्ट हो जाता है लेकिन कोई कोई फ़ोन में कनेक्ट नहीं होता है। आप ओपन कैमरा एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में मिल जाएगा, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वो एप्लीकेशन के थ्रू में आप आसानी से वीडियो कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही क्लियर होता है वीडियो ओपन कैमरा एप्लीकेशन से, तो वहाँ से आप वीडियो करेंगे। मैं खुद ही ओपन कैमरा यूज़ करता हूँ, अभी वीडियो चल रहा है ओपन कैमरा से, तो ओपन कैमरा से माइक जो वो कनेक्टेड रहता है और उसका वॉइस डायरेक्टली आता है, तो ओपन कैमरा एप्लीकेशन के थ्रू में बोया माइक यूज़ करने में बेटर होता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, आप भी यूज़ करना बोया M1 माइक, बहुत ही बढ़िया है। तो फिर मिलूंगा ऐसे ही मज़ेदार वीडियो पे, तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत।